जीतने वालों को मेरा सलाम। पैशन शब्द की जड़ें 1000 साल से ज्यादा पुरानी है। ओल्ड लैटिन में शब्द है पैटी, जिसका मतलब है टू एंड्योर एन एक्सपीरियंस, सहन या अनुभव करना, जो बाद में जीसस क्राइस्ट के सेक्रीफाइस के लिए इस्तेमाल होता रहा। पिछले सदी में पैशन का दूसरा मतलब ज्यादा पॉपुलर हुआ, इंटेंस डिजायर और एंथुजियाज्म फॉर समथिंग, किसी भी चीज के लिए इच्छा, उत्साह और जोश जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशन होना। इस डेफिनेशन में पैटी की जड़ें आज भी छुपी हुई हैं। सहन या अनुभव करना, आप इस बात को याद रखिएगा, मैं आपको यहां वापस लेकर आऊंगा। हर्षा भोगले पैशन पर कहते हैं कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर्स होते हैं उनमें अपनी कला और काम के लिए पैशन और कुछ करने की एक्सट्रीम डिजायर होती है। सचिन तेंदुलकर के लिए बोला जाता था, ही इज ऑलवेज हंग्री फॉर रन्स। पैशन को लेकर मन में न केवल ये सवाल आता है कि हम अपना पैशन कैसे ढूंढें, बल्कि इससे अच्छा सवाल कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर्स ने पैशन कैसे ढूंढा होगा। क्या इनके हालात ऐसे थे कि इन्हें पैशन मिल गया, या फिर इन लोगों में कुछ खास बात थी कि इनको पैशन मिल सका। जब हम कुछ बेहतरीन करते हैं तब लोग हमारी सराहना करते हैं, तब अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है, या कभी कभी अच्छा काम करके, किसी की मदद करके अंदर से खुशी महसूस होती है। इसलिए लोग नॉन प्रॉफिट और चैरिटी में काम करते हैं। समय के साथ ये इमोशंस तारीफ या रिजल्ट से हटकर सीधे काम से जुड़ जाते हैं, और काम के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ जाता है। इस स्ट्रॉन्ग इमोशन को लोग बाद में पैशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियो बनाता हूँ, क्या मुझे वीडियो एडिटिंग का पैशन है? जी बिल्कुल नहीं। क्या मुझे लिखने का पैशन है? मैं अच्छा लिख सकता हूँ और सोच सकता हूँ, इससे मुझे खुशी भी मिलती है, लेकिन मैं बहुत अच्छा लिखने के लिए पैशनेट या इमोशनल तो नहीं हूँ। फिर भी जब लोग काम की तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से अगर ऐसे ही चलता रहा तो अच्छा सोचना और काम की बात दूसरों तक पहुंचाना, अच्छा कंटेंट बनाना भी एक दिन पैशन में बदल जाएगा। वैसे ही जैसे डॉक्टर को मेडिसिन और बायोलॉजी के लैटिन शब्दों को याद करने का कोई शौक नहीं होता होगा, लेकिन जब उसे लोगों के काम आकर सेटिस्फैक्शन और अचीवमेंट का स्ट्रॉन्ग इमोशन महसूस होता होगा, तो मेडिसिन पढ़ना भी उसके लिए पैशन बन जाता होगा। हम लोगों में सेटिस्फैक्शन और अचीवमेंट की भावना तब आती है जब हमारा टैलेंट और काबिलियत का पूरा उपयोग हो सके, यानी टैलेंट मौका मिलने और परफॉर्मेंस देने पर सेटिस्फैक्शन में बदल जाता है। मतलब टैलेंट केवल गिफ्ट नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी है। इसको निखारने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तभी कुछ मौके हाथ आते हैं। विराट कहते हैं कि बिना मेहनत और डेडिकेशन के टैलेंट कब वेस्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हम लोग कह सकते हैं कि टैलेंट प्लस परफॉर्मेंस से आता है रिजल्ट और स्ट्रॉन्ग इमोशन, और जब यही चीज बार बार रिपीट होती है तो वो पैशन में बदल जाती है। स्ट्रॉन्ग इमोशन और एफर्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकम्स पैशन। यानी हमको पैशन नहीं ढूंढना है, बल्कि इस स्ट्रॉन्ग इमोशन को सहन और अनुभव करने के लायक बनना है। वीडियो की शुरुआत में हमने यही कहा था कि पैटी की जड़ें अभी भी पैशन में बाकी हैं। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली केवल टैलेंट के भरोसे पैशन का स्ट्रॉन्ग इमोशन न महसूस कर पाते, न उसे जिंदा रख पाते। उनको पैशन तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। पैशन से संबंधित कुछ भ्रांतियां भी दूर कर लेते हैं। स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने स्टूडेंट्स को ब्लैक होल के बारे में डॉक्यूमेंट्री दिखाई। सबको बहुत अच्छा लगा, उनमें से कुछ लोग पैशनेट भी लग रहे थे। फिर उनको ब्लैक होल्स के पीछे की इक्वेशन भी पढ़ाई गई। कुछ ही मिनटों में सबका पैशन चला गया। अगर आप सच में थ्योरेटिकल फिजिक्स में इंटरेस्टेड हो तो आपको उसके लायक बनना पड़ेगा, सालों फिजिक्स और मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सच में क्रिकेट खेलना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और टफ कॉम्पिटिशन झेलना पड़ेगा। इसलिए पैशन टैलेंट नहीं है, पैशन इंटरेस्ट भी नहीं है। पैशन किसी काम को करने की वो इच्छा और भावना है जिसके लिए आप अपने डर और आराम को छोड़ सकते हो। पैशन इज नॉट अबाउट हैविंग, इट्स अबाउट डूइंग। पैशन किसी उपलब्धि या टैलेंट का पाना नहीं, बल्कि करना है। हम समझते हैं कि एक बार पैशन मिल गया तो काम में मजा आ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। हम बैलेरीना का एग्जाम्पल लेते हैं। डांसिंग बड़ा पैशन वाला काम दिखता है, लेकिन हर दिन खत्म होने पर बैलेरीनास को घंटे भर बर्फ में पैर डुबोना पड़ता है दर्द और चोट से बचने के लिए।
इसलिए जरूरी नहीं है कि पैशन में तकलीफ ना हो। अगली भ्रांति है कि अगर आप अपने पैशन का काम करते हो तो सक्सेस और पैसे की कमी नहीं होगी। लेखकों और कवियों का एग्जाम्पल लीजिए। किसी चीज के बारे में अलग तरह से सोचना और उसे दूसरों तक पहुंचाना अकलमंदी का काम है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर राइटर फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो। तो भाई, पैशन का क्या करना चाहिए? ऐसा काम कीजिए जिसे करने से आप वैल्यू क्रिएट कर सको। एक बार आप वैल्यू क्रिएट कर गए, यानी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर गए, तो अच्छे चांसेस हैं कि आप पैसा भी कमा लोगे। अब आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं कि हम लोग पैशन के लायक कैसे बने। स्टेप नंबर 1, जो भी करें पूरी शिद्दत से करें। पैशन वो इमोशन, वो भावना है जो एक्साइटमेंट और उत्साह से आती है। जो आलसी हैं या अधिकतर फ्रस्ट्रेटेड या दुखी रहते हैं, उनके लिए पैशन मिलना थोड़ा मुश्किल है। हम दिन भर अपना मूड खराब रखकर या परेशान होकर अपना पैशन नहीं ढूंढ सकते। आज से हम जो भी करें पूरा मन लगाकर ईमानदारी से करें। इसी तरह आपको एक दिन वो काम भी समझ आ जाएगा जो आप दिन रात खुशी खुशी कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, एक्सपेरिमेंट कीजिए और पूरा करें। कुछ रेयर लोग होते हैं जिन्हें बचपन में डायरेक्शन मिल जाता है। हम लोगों को थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना होगा। जब हम लोग कोई काम सोचते हैं और जब उसे शुरू करते हैं तो उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर सही में पैशनेट हो तो सारी मुश्किल हंसते रोते जीत लोगे। जो आपको पसंद का काम लगता है उसे छोटे से छोटे लेवल पर शुरू करें और पूरा करें। अगर आपको फोटोग्राफी करने का शौक है तो अपने मोबाइल कैमरे से फोटो लेना और उन्हें अपलोड करना शुरू करें। किसी प्रोफेशनल से मिलें, कहीं पार्ट टाइम करने की कोशिश करें, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें। अगर सफल नहीं भी हुए तो बहुत कुछ सीख जाओगे। 3रा है, अपनी सोच और इंटरेस्ट की गहराई बढ़ाइए। जो भी आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट है उनके अंदर तक जाए। इससे न केवल आपको समझ और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बल्कि आपको मन लगाकर जिंदगी जीने और अपना दिमाग इस्तेमाल करने की आदत पड़ जाएगी, जो हर नौजवान के लिए कीमती है। और 4था स्टेप है, अभी शुरू करें। प्रोकेस्टिनेशन पैशन का दुश्मन है। ये दोनों एक साथ एक इंसान के अंदर नहीं रह सकते। अपना काम ईमानदारी से करने की आदत डाल लीजिए। पैशनेट बनिए, जिंदगी में पैशन आ जाएगा। दोस्तों, मैं पैशन तक जाने के लिए, अपना काम ईमानदारी से करने के लिए डोपामिन एडिक्शन से बचना होगा। इसके लिए पैशन पर अगला एपिसोड जरूर देखिए। और हाँ, चैनल जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।